आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद एवं मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर के मुख्य संपादक अंजनी कुमार सिंह ने शनिवार को आयुक्त सभागार में मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर भाग 2 की लॉन्चिंग की, जिसमें मंडल भर के गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। याद दिला दें कि मुरादाबाद गजेटियर भाग 2 का विमोचन 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। इसी संदर्भ में शनिवार को मुरादाबाद गजेटियर भाग 2 की लॉन्चिंग हिंदी दिवस के अवसर पर की गई। ये भी याद दिला दें कि आज कमिश्नरी मुरादाबाद के 44 वर्ष भी पूर्ण हो चुके हैं। लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने कमिश्नर एवं संपादक अंजनी कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा, आज हिंदी दिवस है और इस गुजारिश के साथ हिंदी के लिए खास तौर से ये भाषा के लिए सबसे बड़ी चीज लिपि है। लिपि पर हमें जो एक बिगाड़ हमें आजकल पैदा हो रहा है कि व्हाट्सएप से हम लोग बहुत जुड़े रहते हैं और ज़्यादातर लोग नॉर्मल में ऐसे शॉर्ट में लिखना पसंद करते हैं, उससे लिपि का हाथ हो रहा है। इसका जो हर खास नए बच्चे हैं, हमारी नई जनरेशन जो है वो उसको इससे मतलब बहुत नुकसान होने वाला है। लिहाजा तवज्जो दें इस बात पर कि हम जो लिपि है हमारी उसको हम पूरी तरीके से संरक्षित करते रहें और बच्चों को इस बात की आदत डालें तो तमाम मैसेज जो लिखे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो हिंदी में करने की कोशिश है। जहाँ तक गजेटियर का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले तो मनोनीत महोदय जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो तारीखी हैसियत से भारत में पहली बार हुआ है कि मंडल के स्तर पर कोई गजेटियर हुआ है। और मुरादाबाद के लिए ये गलत 56 साल के बाद 1968 में नाम गजेटियर शायद हुआ था, उसके बाद ये शायद हुआ है। और इसमें आपने जितनी दिलचस्पी ली है उसका मुझे खुद अनुभव ये है कि हम लोग 15 पेज का 20 पेज का एक आलेख लिखकर देते थे और सर उसे लंग पलस पढ़ते थे। हम सोचते थे कि सर में इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने जिम्मेदारियों के बावजूद ये टाइप कहाँ से निकाल पाते हैं सर, के साथ पढ़ लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और तमाम तथ्यों को उसको देखने के बाद फिर हमसे कहा जाता है इसका जो साक्ष्य लीजिए, इसका संदर्भ लीजिए और हर शब्द पर भी आपने जो उस पर एक उसका विश्लेषण किया और फिर उसके बाद आप कितनी मेहनत के बाद और तमाम लोगों के सहयोग से जो ये गजट आपके सामने आया है, यकीन ये बहुत बड़ी दस्तावेज आपके सामने है। ये ऐसी दस्तावेज है कि जो आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक बहुत बड़ा धरोहर और बहुत बड़ा सरमाया हमें दे रहे हैं जो संभव हो सका है हमारे पंडित मोहल्ले जी। वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार शर्मा ने इस कार्यक्रम को 3-in-1 कार्यक्रम का दर्जा देते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा, आज हिंदी दिवस भी है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मुरादाबाद मंडल को 44 वर्ष पूरे हुए हैं और मुरादाबाद मंडल के 44वें कमिश्नर भी श्री अंजनी कुमार सिंह ही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी की बात है। मैं सर को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इतना बढ़िया मंडल उन्होंने चलाया है पूरे प्रदेश में। गजेटियर के साथ साथ विकास कार्यों की जो उन्होंने झड़ी लगाई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अभी सर ने बताया नहीं, अभी सर को राजस्व परिषदों राजस्व वादों के स्थानों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मुरादाबाद मंडल गजेटियर में दावे के साथ कह सकता हूँ जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वास्तव में उनको निश्चित रूप से ये UPSC में और PCS की परीक्षा में निश्चित रूप से कामयाबी की ओर बढ़ाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मान को विराम देता हूँ। मंडल आयुक्त एवं संपादक अंजनी कुमार सिंह ने अपने संबोधन के दौरान सभी से आह्वान किया कि वह इस गजेटियर का अध्ययन निश्चित रूप से करें। गजेटियर में कुछ चीज छूट गई होंगी जिसके लिए हम आगे प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर भाग 3 के लिए भी अपनी अभी से जुट जाने का आह्वान किया। मंडल आयुक्त ने सुल्ताना डाकू एवं तूती बेगम के मकबरे का विशेष रूप से वर्णन किया है, साथ ही साथ मंडावर में स्थित कारण ऋषि के आश्रम का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि मंडल में काफी नदियां थी जो विलुप्त हो चुकी थी, हमने उनका अध्ययन कराया और प्रमाणित होने पर उनको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लगभग 400 पेज के गजेटियर में मुरादाबाद मंडल के साहित्यकारों, मीडिया कर्मियों,
रंग कर्मियों और विभिन्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली विभूतियों मंडल की कलाकृतियों विशेषकर मुरादाबाद की पीतल दस्तकारी का भी उल्लेख किया गया है। अपने संबोधन में मंडल आयुक्त एवं मुख्य संपादक आंजनी कुमार सिंह ने गजेटियर के प्रकाशन में सहयोग करने वाली सभी महानुभवों का आभार व्यक्त करते हुए कहा। वो ईश्वर गमछा साहब ने कह दिया, मैं शुरुआत करता हूँ। आज हिंदी दिवस है और इस गजेटियर को मैं आज के दिन समर्पित करता हूँ स्वर्गीय महेश्वर तिवारी जी को, जिन्होंने सबसे पहले इसका आगमन करने वाले को ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जो उनकी भावनाएँ हमारे हमेशा हमारे साथ हैं। उनके साथ ही बहुत सारे लोगों ने, जब ये सोच के तौर पर था तो बहुत सारे लोगों ने उत्साह बढ़ाया। और एक निर्णय को लेना और उस पर आगे चलना कठिन काम होता है, पर जो जैसा ईश्वर कमिश्वर साहब ने कहा कि ये गजेटियर सिर्फ इसके अंकित नाम नहीं है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, उनके नाम हो सकते थे, नाम नहीं होता। मैं दे सकता था पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि जगह की कमी, और कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कुछ मजबूरियाँ दोनों ही चीज़ें। मैं जनजीवियों को लॉन्च करते यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करते समय मैं ये सबसे पहले इस बात को कहना चाह रहा था, मैं आभारी हूँ सभी का। मैं तो व्यर्थ में क्रेडिट ले रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ एक सोच दी, इसको मूल रूप परिणत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत हाथ हैं जो जिनमें से बहुत सारे लोगों का इस गजेटियर पे नाम नहीं आया होगा, इसके पहले वाले में भी नाम नहीं आया होगा। क्या पता हमें कभी मौका मिले तो हम उस तरीके से स्पष्ट रूप से उनको जो उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दी है, जो उन्होंने इसमें योगदान दिया है, उसके लिए उनको उनको उस बात के लिए लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। फिर शुरुआत करूँगा, ये गजेटियर जो आप देख रहे हैं इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी का चेहरा, गजेटियर का जो चेहरा है, जो आवरण है कवर पे, वो अभिनय चौहान जी ने डिज़ाइन किया और बड़ा लंबा समय लगा हमें कि कवर पेज क्या होगा, बहुत सारे थॉट्स चले और अल्टीमेटली हम एक थॉट पे जाके रुके कि अगर इसमें कल्चर को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही मेरा इसके बारे में दृष्टिकोण बड़ा क्लियर था कि सामाजिक सांस्कृतिक और लोक संदर्भ इस रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके का इसमें प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो उसको पूरी तरह से उसको फिल्म के रूप में प्रस्तुत करते। तो मैं आभारी हूँ अभिनव जी का कि मेरे बुलाने पे उन्होंने तत्काल रिस्पॉन्ड ही नहीं किया बल्कि पूरा लग के इसको डिजाइन किया, मेरी पूरी टीम इसमें लगी है। पर बारी बारी जब इस कवर को खोलता अपने पूरे गजेटियर को, बहुत सारे लोग पहली नज़र हर एक चीज़ को पकड़ लेती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूँगा जी का, जो मेरी सारी पहली नज़र है वो उसने लिखा भी, उसने संपादित भी किया, उसने हर एक चीज़ को पकड़ा, वो फ्रस्ट्रेटेड भी हुई, मेरी लड़ाइयाँ हुई, लड़ाई भी हुई। कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं इस नाते कि वो मुझसे रिलेटेड है इसलिए मैं कई बार उसका फेवर देता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसने किया है उसका दाय मैं उसको नहीं दे सकता, न दे पाता हूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे नहीं उसकी वजह से, और आज भी गजेटियर के इस मौके पर जब मैं सारे लोगों के बीच कर रहा हूँ, किस समय भी वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद है। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभवों को मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल आयुक्त आंजनी कुमार सिंह ने की एवं संचालन शिक्षिका बबीता मेहरोत्रा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर नगर आयुक्त अतुल यादव, अपर आयुक्त प्रथम सर्वेश कुमार गुप्ता, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बुद्ध प्रिया सिंह, डीसी विकास गजेंद्र प्रताप सिंह, डीसी फूड ओम प्रकाश, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, मास्टर सैयद सऊद अली, अभिनव चौहान, उबेदुर रहमान के अलावा संपादकीय मंडल, साहित्यकार
और मीडिया कर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के अंत में कमिश्नर एवं मुख्य संपादक अंजनी कुमार सिंह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है लोगों की बिक्री के लिए, इसका भी आज मूल्य तय करते हुए हम डाल देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बल्कि उसके लिए निवेदन पड़ चुका है और कल तक के साथ देखने के लगेगा। ये जो पार्ट टू है बेसिकली मुरादाबाद के सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा फोकस है, और ये इसका दूसरा पार्ट इसलिए कि बहुत ज़्यादा बल्कि मुरादाबाद मंडल में पांच जनपद हैं, पांचों जनपदों का जितना भी हमें वेरीफाइड पूरी तरह से एक प्रामाणिक जानकारी जो मिल पाई है उसको हमने इस गजेटियर में शामिल किया है। बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को जानने को मिलेंगी इस मंडल के बारे में जो पुरानी हैं, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, और बहुत सारे लोग इससे अनुभिज्ञ हैं और एक नई दृष्टि मिलेगी इस मंडल को जानने की। आज जबकि हिंदी दिवस है और आज मुरादाबाद मंडल का ये एनिवर्सरी है, 44 साल पूरे कर लिए, 45वें साल में प्रवेश कर रहा है, हमारे लिए बहुत ये बहुत बड़ा क्षण है जब हम आज पब्लिक को के लिए इसको जारी कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपदीय गजेटियर भी मुरादाबाद मंडल के वो भी अब तेज़ी से हम बना सकें। ये जो गजेटियर है पहला भाग भी और दूसरा भाग भी जानबूझ कर हमने पहली बार हिंदी में रखा है, हिंदी भाषण ये अभी तक के गजेटियर्स के इतिहास में पहला गजेटियर है और मंडल स्तर पर भी संभवतः पहला ही गजेटियर है, तो मुरादाबाद मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। और मैं इस गजेटियर को जिन जिन लोगों ने गजेटियर को निर्माण करने में खास रूप से प्रकाशन करने में मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड उसके CEO नगर आयुक्त और इस गजेटियर में की मुख्य लेखिका संपादक निवेदिता और हमारे जो सभी साथीगण हैं, जो साथी अधिकारीगण हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।